चलिए सभी साथियों को नमस्कार, मैं कुमार नीतीश आप सभी लोगों को आपका अपना YouTube चैनल अरोही मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में हम आपको बता दूं कि पार्ट वन और पार्ट टू क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री में हम इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूरी समान पे आधारित प्रश्न, दूरी बराबर पे आधारित प्रश्न, दूरी इक्वल पे आधारित प्रश्न। तो चलिएगा, जब दूरी समान होगा क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन को हल कैसे करिएगा, सिर्फ कंसेप्ट है, है ना, सिर्फ क्या है, कंसेप्ट है। तो चलिए उस कंसेप्ट को आप समझ लीजिएगा, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिएगा, आपने फॉर्मूला जानता है दूरी बराबर क्या, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल गुना क्या होता है बाबू, समय होता है। जब आपका दूरी बराबर हो, जब आपका दूरी बराबर हो तो चाल का रेशियो होगा जो समय का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। ये हमेशा आपको बात का क्या करना होगा, याद रखना होगा कि जब दूरी बराबर हो तो चाल का रेशियो होगा जो समय का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, धज्जिया उड़ा लेंगे। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम आज का, पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए आज का मैंने पहला नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिएगा आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे ध्यान लगाकर देखेंगे। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र का चाल 20 किलोमीटर है ना, चलिए हाँ, एक छात्र का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यानी एक छात्र का चाल दे रखा है भाई, क्या दे रखा है बाबू, अरे छात्र का चाल, एक छात्र का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो है ना 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या करता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी पहले का सिंबल किससे होगा, प्लस से होगा। एक छात्र का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर बोल रहा है ना, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है पहले पहुंच जाता है यदि उसकी चाल, हाँ यदि उसकी चाल, यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 8 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कि लेट का सेंस किससे होगा, माइनस से होगा। लेट का सेंस किससे होगा, माइनस से होगा। तो चलिएगा उसी दूरी को, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 7 मिनट पहले पहुंच गया, उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 8 मिनट लेट से पहुंचा। तो आपको पता है कि सर दूरी क्या है, समान है। दूरी क्या है, समान है भाई, अरे भाई दूरी क्या है आपका, इक्वल है। जब दूरी आपको इक्वल होगा तो जो चाल का रेशियो होगा, समय का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। अब यहाँ पे आपको समय का रेशियो लिखना है, समय का रेशियो लिखना है ना। तो आप बताओ यहाँ पे 5 से क्या बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 5 से क्या बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी कि जो समय का रेशियो होगा, जो चाल का रेशियो का उल्टा होगा। तो लट दो ना मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न में आप चाल का रेशियो को काटिएगा नहीं तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा भाई, आपका क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। तो मैंने मन ही मन काट लिया, मन ही मन काट लिया, 35 15 और 5 4 20। तो इधर 3 है, इधर 4 है, 4 हो गया। जब दूरी समान होता है, जब चाल का रेशियो समय का रेशियो क्या होता है, उल्टा हो गया। था 3 ई पढ़ी लिख दिए, 4 ई पढ़ी लिख दिए, और कोई बड़ा बात नहीं है। आप बताओ जो यहाँ जो अंतर आ रहा है, जो कितने का आ रहा है, 15 मिनट का अंतर आ रहा है। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 15 मिनट का अंतर आ रहा है समय में। लेकिन यहाँ जो समय का अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ जो आपका अंतर आ रहा है जो किसमें है, घंटा में है। लेकिन ये वाला जो अंतर है जो किसमें है आपका, मिनट में है, मिनट में है। तो इस क्या करेंगे ना, जो 15 मिनट का जो अंतर है ना, उसको हम क्या कर लेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे। क्यों घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि समय का तुलना करना है समय से। तो ऊपर यदि घंटा में होगा, नीचे घंटा में होगा, तो ऊपर भी क्या चाहिए, घंटा में। जैसे ऊपर उसने, नीचे जिसको निकालना उससे क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो चलो इसको घंटा में चेंज कर लिए, तो क्या कर लिए, 60 से भागा मार लिए। तो 15 4 60 यानी 1/4 घंटा क्या हो गया, 1/4 घंटा। लेकिन समय का अंतर है कितने का, 1 घंटा है। तो समय का अंतर बटा में समय का अंतर हो गया। बताइए आपसे क्या पूछा है, है ना, आपसे क्या पूछा है। तो देखिए आपसे पूछा है यात्रा की दूरी ज्ञात करें, यानी यात्रा की दूरी ज्ञात करें, यानी दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी कितना लगा था, बीती आई 60 हो गया ना, यानी चाल गुने समय, यानी आपका क्या निकल जाएगा, दूरी। दूरी कितना हो जाएगा आपका 60। तो जिसको निकाला उससे गुना, तब 15 4 60 यानी 15 बार में कट गया, क्या बार में कट गया, 15 बार में कट गया। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर है ना। यात्रा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। यही आपका क्वेश्चन का क्या हुआ भाई, आंसर हुआ। यानी यात्रा के बीच की दूरी कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया, है ना, क्या हो गया, 15 किलोमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ लिया होगा।
चलेंगे इसी तरह से हम अगला नंबर क्वेश्चंस लेंगे। अगला ती का चाल, हाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, दूसरा नंबर क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। एक व्यक्ति का चाल, एक व्यक्ति का चाल क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। एक व्यक्ति का चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट क्या करता है, पहले पहुंच जाता है, यानी पहले का सिंबल प्लस से। एक व्यक्ति का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर बोला है यदि उसी का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसी का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। क्या करता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो आपको मैं बता दूं कि उसी दूरिया को बाबू जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा था तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, और उसी दूरिया को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा था तो 5 मिनट लेट पहुंचा, 5 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि आपका दूरी क्या है, समान है। आपका दूरी क्या है, समान है। जब आपको दूरी समान रहेगा, जब आपका दूरी समान रहेगा तो चाल का रेशियो होगा, जो समय का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। चाल का रेशियो समय का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। उलट दो ना, काट दो यहाँ 5 से 1 बार में कट जाएगा, है ना, 10 से काटिए ना, 10 से 2 बार में, 10 से 3 बार में, यहाँ 2 यहाँ 3। जब दूरी समान हो तो जो चाल का रेशियो होगा, जो समय का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। उलट दो, यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा 1 3, है ना, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20 30 यानी कि चाल का रेशियो समय का रेशियो का उल्टा होता है। कब, जब दूरी समान हो तब। तो इसमें दूरी क्या है आपका, समान है। बताओ ना यहाँ में समय में कितने का अंतर है, 10 मिनट पहले और 5 मिनट लेट, यानी कि 10 मिनट पहले और 5 मिनट लेट पहुंचता है, बाद में पहुंचता है, इसमें अंतर कितने का हो गया, 15 मिनट का अंतर हो गया, 15 मिनट का अंतर है। लेकिन इसमें कितने का घंटा, है ना, इस समय में कितने का अंतर है, तो 1 घंटा का अंतर है, है ना। तो समय की तुलना समय से, जब ऊपर घंटा तो नीचे भी क्या होना चाहिए, नीचे घंटा तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, घंटा। तो इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करना होता है, भाग मारना होता है, 15 चौके 60 यानी 1/4 घंटा। तो घंटा की तुलना घंटा से, है ना, तो समय में कितने का अंतर हो गया, 1/4 घंटा का अंतर हो गया। लेकिन समय में अंतर है कितने का बाबू, 1 का अंतर है। तो घंटा की तुलना घंटा से, आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना, तो जिसको निकालना उससे गुना कर दो, तो आपका दूरी निकालना है, दूरी कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी काट दो ना, 15 चौके 60। इसका भी आंसर कितना निकल के आ गया, 15 किलोमीटर ही आंसर निकल के आ गया। कितना आंसर निकल के आ गया, 15, है ना, 15 किलोमीटर ही आंसर निकल के आया, यानी यात्रा के बीच का दूरी कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। जो आपका ऑप्शन नंबर किसे मिल जाएगा बाबू, ए में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर किसे मिल जाएगा, ए में मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रखा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिएगा अगला नंबर हम क्वेश्चन, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यानी फिर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा, यानी एक व्यक्ति का चाल क्या है, एक व्यक्ति का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। क्या करता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है, यानी का लेट का सेंस किससे होगा, माइनस से। एक व्यक्ति का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। फिर बोला है, है ना, फिर बोला है और यदि उसी का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि उसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि उसका चाल 15 किलोमीटर क्या हो, प्रति घंटा हो, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट क्या करता है बाबू, पहले पहुंच जाता है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात करें, यानी यात्रा का दूरी ज्ञात करें। चलिए भाई दूरी ज्ञात करना है तो बताइए, उसी दूरिया को चल रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 15 मिनट लेट पहुंचा, उसी दूरिया को चलने लगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी आपका दूरी क्या है, समान है। दूरी क्या है, समान है, यानी दूरी आपका इक्वल है। जब दूरी आपका इक्वल होता है, जो चाल का रेशियो होता है, जो समय का रेशियो का उल्टा होता है, काट लो ना भाई, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। बताओ ना यहाँ समय में अंतर कितने का हुआ आपका, 20 मिनट का है ना, 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद और 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो अंतर कितने का हुआ, 20 मिनट का। लेकिन इसमें जो अंतर निकल के आएगा किसमें आएगा, घंटा में आएगा, 1 घंटे का। तो इसको भी किसमें बदलना होगा, घंटा में बदलना होता है, घंटा बदलने के लिए 60 / 60 1/3 घंटे का अंतर, 1/3 घंटा का अंतर। लेकिन कितने का अंतर हो गया, 1 घंटे का अंतर है। क्या आपसे पूछा है, क्या आपसे पूछा है, आपसे दूरी पूछा है ना। चलिए दूरी कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 6 = 60। मैंने बताया था कि भी दूरी क्या है, समान है, और दूरी देखिए समान है या नहीं है।
चले इसमें 60 से गुना करा लीजिए, तो वित्तीय आय कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर, यानी कि यात्रा का बीच की दूरी कितना है 20 किलोमीटर। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर कितना मिल जाएगा आपका डी में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर किसमें मिल जाएगा डी में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए आज का चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आज का चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूरज अपने घर से कार्यालय 22.5 किलोमीटर की चाल से आता है, यानी कि 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है सूरज अपने कार्यालय, है ना, किस चाल से जाता है 22 किलोमीटर प्रति घंटा ना, सूरज अपने घर से कार्यालय जाता है किस चाल से जाता है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, और 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरज अपने घर से कार्यालय 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो, यदि सूरज का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो, है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो 4 मिनट लेट पहुंचता है, क्या करता है 4 मिनट लेट पहुंचता है, 4 मिनट क्या करता है बाबू लेट पहुंचता है, तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या होगा, यानी घर से कार्यालय के बीच का दूरी क्या होगा, यही हमसे पूछा है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरज 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है ना, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर बोला है कि यदि सूरज 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है ना, तो 4 मिनट लेट पहुंचता है। तो पूछा है कि घर से सूरज का कार्यालय का बीच की दूरी कितना है, यही हमसे प्रश्न पूछा है। तो आपको इसका मतलब है कि मतलब दूरी क्या है समान है, यानी घर से कार्यालय के मतलब दूरी क्या है समान है, चाहे वो जिस स्पीड से जाए, यानी दूरी क्या है समान है। जब आपका दूरी समान होगा, जो चाल का रेशियो होगा, जो समय का रेशियो होगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। और एक बात बताइए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर 10 जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, है ना, 200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 8 200 और 25 2 25 यानी कि 225, यानी आपका आ जाएगा 8:9 हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। बताओ यहाँ पे समय में कितने का अंतर हो गया, 10 मिनट का अंतर हो गया, कितने का हो गया 10 मिनट का अंतर हो गया। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा, यानी 1/6 घंटा हो गया, 1/6 घंटा हो गया, लेकिन अंतर है कितने का बाबू 1 घंटे का अंतर है। तो समय का अंतर की तुलना किससे करेंगे, समय के अंतर, आपको क्या पूछा है दूरी पूछा है ना, तो दूरी पूछा है तो दूरी कितना हो जाएगा, है ना, 9 × 2 = 18 यानी कि 180 हो जाएगा दूरी। चलिए काट दीजिए, 36 × 18 यानी कि 30 किलोमीटर आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, 30 किलोमीटर आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है बाबू बी है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी है। यानी कहने का मतलब है कि सूरज के घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितना है 30 किलोमीटर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज हम लोग करेंगे आज का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए आज का 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने के बजाय, किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने के बजाय उसको, है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने के बजाय उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या क्या है तय किया है। तो बोला है 40 मिनट कम समय लगेगा, यानी कि चाल का रेशियो दिया है, इसका मतलब दूरी क्या है समान है। तो जब दूरी समान होगा तो जो चाल का रेशियो होगा, जो समय का रेशियो क्या होता है उल्टा होता है। चलिए उलट दीजिए, 2 से 4 से 2 से 3 बार में, यानी कि समय का रेशियो कितना जाएगा 4:3 हो जाएगा। बताइए कितना मिनट कम समय लगा है, 40 मिनट कम समय लिया है ना, तो 40 मिनट कम समय लिया है, बताओ ये मिनट में है, आई किसमें अंतर आएगा घंटा में आएगा, तो इसको भी किसमें बदलना है घंटा में बदलना, यानी कितना जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। लेकिन कितने का अंतर है भाई, कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है ना, तो दूरी कितना जाएगा 6 × 24 हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा, तो इसको काटिए 3 × 4 = 8 + 24 = 8 × 16 यानी कि 16 किलोमीटर का दूरी होगा। कितने किलोमीटर का दूरी होगा, 16 किलोमीटर का दूरी होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर किसमें मिल जाएगा डी में मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आपको समझने में।
चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा आज का छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज का छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी दिन एक विद्यार्थी है ना, किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देर से है ना, 6 मिनट चलिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर छठा, आज का छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट क्या होता है ना, देर से पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट लेट से पहुंचता है, देर से पहुंचता है। फिर बोला है पहुंचता है, अगले दिन वह चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देता है। अगले दिन क्या करता है, अपने चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देता है, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करने का मतलब हो गया कितना जी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो बोला है आपसे प्रश्न कि 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, क्या करता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तब आपसे पूछा है 6 मिनट पहले पहुंच जाता है तो स्कूल का बीच का दूरी आपसे पूछा है, तो स्कूल का बीच की दूरी पूछा है, तो इसका मतलब है कि मतलब घर से जो स्कूल का बीच का दूरी है क्या है, समान है, यानी कि दूरी समान होता है। तो आपका पता होना चाहिए कि जो चाल का रेशियो होता है, जो समय का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए इसको काटिए ना आप थोड़ा सा, है ना, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, यानी कितना जाएगा, 7 अनुपातें कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 7 अनुपातें 5 हो जाएगा। बताओ ना समय इसमें अंतर कितने हो गया, 12 मिनट का अंतर हो गया, 12 मिनट को घंटा में चेंज कर लो तो 60 से भागा 12 × 5 = 60, यानी 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। लेकिन इसमें अंतर है कितने का बाबू, 2 का अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो समय के अंतर बटा में समय का अंतर। आपसे दूरी पूछा है तो दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि 35 में आपने 5 से गुना, यानी 3.5 में 5 से गुना कर लीजिए तो 35 × 15 यानी 150 और 5 × 5 = 25, यानी कि आपको आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। बताइए 5 से कितने बार में कट जाएंगे, तो बताइए 5 से कितने बार में कट जाएगा, 35 × 15 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कट जाएगा 3.5 बार में कट जाएगा। अब 3.5 में आपको क्या करना है, 2 से भागा देना है, तो 3 पॉइंट में है ना, 5 से आपको 2 से क्या करना है, फिर लास्ट में भागा दे देना है, तो जब समलम हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी क्या मर्तबे लग गया, 1 मर्तबे, कितने मर्तबे लग गया देखिए ना, 1 मर्तबे, तो 1 पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, 15/20। चलिए काटिएगा तो 35 × 15 = 5 × 20, यानी कितना समय लग जाएगा, कितना दूरी है, 1/3/4 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा, 1/3/4 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें मिल जाएगा, आपका डी में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर किसमें मिल जाएगा, डी में मिल जाएगा। तो आज तक यही, हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले नंबर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।